हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर 2024 और आज की 12 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आज आई हैं, देख लीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको बताऊँगा, ठीक है। इनके पीडीएफ भी आए हुए हैं तो वो भी मैं आपको अलग से बताऊँगा, तो वो देख लीजिएगा पूरी वीडियो में। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। पहली अपडेट, दीपोत्सव की शुरुआत आज से। इस बार 2 दिन मनाएं दिवाली, अमावस्या 31 अक्टूबर दिन से 1 नवंबर की शाम तक, इसलिए दोनों दिन मना सकते हैं दीपावली। धनतेरस आज ही मनाई जाएगी। दीपोत्सव 5 के बदले 6 दिन का। तो देश में दिवाली और दीपोत्सव की को लेकर बनी असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। तिथियों के अनुसार गणना करने वाले विद्वानों के अनुसार इस बार दिवाली अलग अलग मान्यता के अनुसार 31 अक्टूबर व 1 नवंबर दोनों दिन मनाई जा सकती है। हालांकि धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दिवाली, झूम रही अयोध्या। धनतेरस शाम 6:30 से 8:13 बजे तक का है शुभ मुहूर्त। धनतेरस सोना सस्ता होने से रौनक, सिक्कों और बार की बड़ी मांग। टूटेंगे रिकॉर्ड, 15% गाड़ियां बिक जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, दूर दराज के स्कूलों में सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं लेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने निर्देशों पर पॉलिसी बनाने में जुटा शिक्षा विभाग। स्कूल गोद लेने वाली योजना में भी दे सकते हैं सेवाएँ। नेक्स्ट अपडेट ये रही, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज बारिश बर्फबारी के आसार। ताबो में -1.6, कुकुमसेरी में 1 डिग्री रहा पारा। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में खिली धूप। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इंतजार खत्म, जनगणना अगले साल, संप्रदायों का आंकड़ा भी जुटाएगी सरकार। जाति गणना पर अभी तक नहीं लिया गया अंतिम फैसला, 2028 में पूरा होगा परिसीमन। पहली बार डिजिटल तरीके का इस्तेमाल, कोरोना के कारण 2021 में नहीं हुई थी जनगणना। 121 करोड़ थी देश की कुल आबादी 2011 की पिछली जनगणना में। जाति गणना कराई तो सभी धर्म मत शामिल होंगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ग्रामीण क्षेत्रों की राजधानी से आज और कल चलेंगी 25 अतिरिक्त बसें। यात्रियों की संख्या देखते हुए परिवहन निगम ने लिया फैसला, दिवाली के दिन शाम 5 बजे तक चलेंगी बसें, दूसरे दिन झेलनी पड़ सकती है दिक्कतें। 256 रूट हैं शिमला लोकल डिपो में। 1 नवंबर को दोपहर के बाद ही मिलेगी बस सेवा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बीटेक परीक्षा के लिए 15 नवंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, केमिस्ट दर्ज करेगा एंट्री, मोबाइल पर आएगी कॉल। खांसी की दवाई लेने पर बताना होगा नाम, नंबर और पता। 2 से 3 दिन में आ जाएगी रिपोर्ट। 1 सप्ताह से अधिक अगर लगातार खांसी है तो ऑटोमेटिक कॉल जाने के बाद, वैसी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पर सैंपल लेने आएगी। नए नर्सिंग संस्थानों में पहले चरण में होगी 40-40 सीटें। दिसंबर तक मेडिकल कॉलेज नाहन, चंबा और हमीरपुर में नर्सिंग संस्थान खोलने की तैयारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, घर बैठे होगी जेई नीट की तैयारी। विद्यार्थियों को NCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर करना होगा पंजीकरण, ऐसे करें पोर्टल पर पंजीकरण। नेक्स्ट अपडेट ये रही, विश्वविद्यालय ने घोषित किए MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बोटनी, भूगोल सहित 16 PG कोर्स के परिणाम। 6 नवंबर से BFA की परीक्षाएं, इगडोल BEd के लिए भी PCB का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो ये सभी आप यहाँ पे देख तो लेफ्ट साइड में इन सभी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। अगर आपका भी है इनमें से तो एक बार आप भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं लॉगिन आईडी के माध्यम से, ठीक है। जैसे MSc के तो आए हैं, ऊपर बताए गए हैं, नीचे जो हैं दूसरे सेमेस्टर MSc मैथ्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर MA हिंदी और संस्कृत के दूसरे सेमेस्टर, ठीक है। तो यह सारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, सब शर्तें हटी, स्नातक में 50% और 45% वाले भी ले सकेंगे BEd काउंसलिंग में हिस्सा। HPU ने खाली सीटों को भरने के लिए इस शर्त से हटाई BEd में प्रवेश परीक्षा और न्यूनतम प्राप्त अंक की शर्तें। 4 और 5 नवंबर को विश्वविद्यालय में करवाई जाएगी BEd की काउंसलिंग। प्रवेश परीक्षा में अपीयर और आवेदन करने वाले 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, आवेदन की प्रति और मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं, बाकी 1701 सीटें हैं, बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ, उसका आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। दोस्तों पहला नोटिफिकेशन तो ये देख लीजिए, BTech फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ सेमेस्टर के लिए जो है लास्ट डेट 15 नवंबर है, ये मैंने आपको पहले बताया है। और NEXAM.HPSHIMLA.IN से आप इसको भर पा सकते हो, ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन ये है, स्पेशल चांस यहाँ पे दिया गया है
बीटेक एकेडमिक सेशन 2018-19 और उसके आगे वालों के लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ डिग्री में करने के लिए, तो इसके लिए 20,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस आपकी लगेगी। 15 नवंबर ही इसकी लास्ट डेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, BDS थर्ड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन भी आपके होंगे अभी, तो 4 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट बताई गई है, तो 4 नवंबर तक आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट डेट शीट है बैचलर डिग्री ऑफ फाइन आर्ट्स 1st, 3rd, 5th, 7th सेमेस्टर के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो यही दोस्तों आपकी बीएड का नोटिफिकेशन, बीएड का शेड्यूल। शेड्यूल है ओपन ऑफलाइन राउंड ऑन, तो 4th of November and 5th of November को ये काउंसलिंग होगी आपकी, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग है, बीएड काउंसलिंग फॉर फिलिंग वेकेंट सीट्स प्रोग्राम इन वेरियस कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी 2024-26 सेशन के लिए। तो 29-10 से लेकर 3 नवंबर 12 बजे तक आपको क्या करना है, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड अप्लाइड इन बीएड एंट्रेंस, आप अपीयर हुए थे या अप्लाई किया था, तो वो ओपन ऑफलाइन राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग में 4 नवंबर को काउंसलिंग होगी उनकी, और उनके लिए ये फॉर्म भरना ज़रूरी होगा, ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दूसरा, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड बीएड या अप्लाई नहीं किया था या अपीयर नहीं हुए थे, टेस्ट नहीं दिया था, बट हैव 50% मार्क्स इन जनरल EWS कैटेगरी एंड 45% मार्क्स आपके हैं SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी इन ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में, तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑफलाइन काउंसलिंग में 5 नवंबर को, ठीक है, ये लिंक यहाँ पे दी गई है। ओके, फिर से मैं थोड़ा सा बता दूँ कि 4 नवंबर को वो आएंगे जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस दिया था या अपीयर हुए थे, अप्लाई किया था, वो आएंगे 4 नवंबर को, ठीक है, और उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा, जिनके जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक है, और अप्लाई ही नहीं किया था, ना ही अपीयर हुए हैं, बट उनके 50% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में ग्रेजुएशन में, मतलब कि कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है और जनरल कैटेगरी है, तो अगर उसके 50% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जिसके 45 दूसरा बच्चा है, दूसरा स्टूडेंट है OBC, SC, ST, PWD कैटेगरी का, उसके हैं 45% मार्क्स, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। जनरल के लिए 50 है और OBC के लिए या जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनके लिए 45% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। उनको जाना है 5 नवंबर को, तो उनके लिए उनको भी एडमिशन ये जो फॉर्म है ये भरना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर फिलिंग बीएड एप्लीकेशन फॉर्म एज पर दिस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म, इसके बाद ये भी आपको भरना पड़ेगा, नीचे जो दो तीन लिंक दिए हैं ना ये देख लेना आप, ठीक। उसके बाद ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन बीएड एंट्रेंस टेस्ट डायरेक्टेड विजिट हिमाचल प्रदेश ऑडिटोरियम। ओके, जिन्होंने बीएड एंट्रेंस दिया था तो वो डायरेक्ट विजिट करें HP यूनिवर्सिटी 10 बजे अलॉन्ग विद ऑनलाइन फिल्ड काउंसलिंग फॉर्म, जो ऑनलाइन आपने काउंसलिंग फॉर्म भरा होगा उसको लेके और सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके, ठीक। तीसरा है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड, ओके, जो अपीयर नहीं हुए थे जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस नॉट बीएड फिल्ड द बीएड एंट्रेंस टेस्ट हैव 50% मार्क्स, ये तो हो गया मास्टर डिग्री, ओके, तो इनको आना है वही है कि डायरेक्टर टू विजिट द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम 10 बजे, ये वो है 5 नवंबर वाले, ठीक। बाकी ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, इस पर सब कुछ बताया गया है। 25,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी, ठीक, ये सारे फीस है आपकी 25,000 प्लस 7,000। ओके, तो इसका नोटिफिकेशन मैं PDF टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।